दुनिया का जो सबसे पहला अलार्म क्लॉक बनाया गया था वो सिर्फ सुबह के 4 बजे बजा करता था। क्या आप जानते हैं क्यों? दुनिया में सिर्फ ऐसा एक ही स्टेट है जिसका नाम आप सिर्फ अपने कीबोर्ड पर एक ही लाइन पर टाइप कर सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं उस स्टेट का नाम? तो इस वीडियो में आज हम इसी तरह के टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए। रोबोट शब्द का असली मतलब है फोर्स लेबर। ये जो रोबोट शब्द है वो आता है एक सिजक के एक वर्ड से जो की है रोबोटा, जिसका मतलब है फोर्स लेबर। फोर्स लेबर यानी जिसे आप जबरदस्ती काम करवाते हो उसे कहते हैं फोर्स लेबर। तो रोबोट्स का मतलब भी यही है। तो आशा करते हैं कि रोबोट्स को इस बारे में पता ना चले। सिर्फ फॉन्ट्स चेंज करके आप अपनी प्रिंटर इंक को 10% तक बचा सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। आपको बस करना ये है कि जो फॉन्ट्स आप जो सेलेक्ट करते हैं वो सेलेक्ट ना कर बल्कि एक सिंपल सा फॉन्ट सेलेक्ट कीजिए जो कि जिसमें जिसके जो अल्फाबेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा मोटे ना हो और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पैटर्न्स में ना हो, डिफरेंट स्टाइल्स में ना हो, जिसके वजह से जो इंक है वो काफ़ी कम यूज़ होगी। कुछ फॉन्ट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं जिसके वजह से जो इंक है वो ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसीलिए अगर आप अपनी इंक को बचाना चाहते हैं, अगर आप कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं तो कुछ ऐसे फॉन्ट्स को यूज़ कीजिए जो काफ़ी सिंपल है, जिसमें ज्यादा इंक नहीं लगेगी आपको प्रिंट करने के लिए। आप और हम रोज यूट्यूब खोलते हैं और देखते हैं नए नए वीडियोस को, पर क्या आपको पता है कि रोज कितने वीडियो या कितने घंटे के वीडियोस अपलोड होते हैं यूट्यूब पर? तो यूट्यूब पर रोज अपलोड होते हैं 100 घंटे के वीडियोस बाय इंडिविजुअल यूजर्स। एक ऐसी कार भी है जो कि आप यूज कर सकते हैं एक जनरेटर की तरह अपने घर को पावर करने के लिए। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक कार है टोयोटा की तरफ से जिसका नाम है टोयोटा FCV। इसको इस तरह से बनाया गया है कि एक इको फ्रेंडली कार है और अगर आपके घर में अगर ब्लैकआउट हो जाए यानी कि अगर करंट चला जाए तो आप इसे एक जनरेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सिर्फ ऐसा एक ही स्टेट है जिसे आप अपने कीबोर्ड पर एक ही लाइन में टाइप कर सकते हैं। तो उस स्टेट का नाम है अलास्का। तो आपको एक काफी ज्यादा अच्छा फैक्ट मालूम चल चुका है अपने कीबोर्ड के बारे में। पेपैल को तो आप सभी जानते होंगे आज के टाइम पे कितनी बड़ी कंपनी है जो कि इस तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को संभालती है। पर क्या आपको पता है कि 1999 में पेपैल वन ऑफ द टॉप 10 वर्स्ट कंपनीज में से एक कंपनी मानी जाती थी। तो उस टाइम पे जो ये टॉप 10 लिस्ट बन रही थी तब लोगों को पेपैल का बिजनेस प्लान उतना कुछ खास समझ नहीं आया, जिसके वजह से उन्होंने इसे भी डाल दिया टॉप 10 वर्स्ट कंपनीज में से। पर आप सभी जानते हैं कि पेपैल आज के टाइम पे कितनी बड़ी कंपनी है। काफी सारे लोग हाइट से डरते हैं, काफी सारे लोग अकेले रहने से डरते हैं, इन सबको एक फोबिया होता है अलग अलग तरीके का। पर क्या आपको पता है कि कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी से भी डर होता है? तो इसका भी एक फोबिया है जिसे कहते हैं टेक्नोफोबिया। आप और हम रोज इंटरनेट पर काफी सारे फोटोज अपलोड करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो या फिर कोई वेबसाइट पर हो। पर क्या आपको पता है कि इंटरनेट पर अपलोड की गई हुई पहली फोटो कौन सी है? तो वो है ऑल गर्ल्स कॉमेडी बैंड की ये फोटो जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये एक फोटोशॉप की फोटो है यानी कि इसमें एडिटिंग की गई है। तो उस टाइम पर ये काफी ज्यादा अच्छी एडिटिंग की गई थी इस फोटो पर। रूबिक्स क्यूब, हम सब इसे सॉल्व करते हैं, पर क्या आपको पता है कि इस रूबिक्स क्यूब को सिर्फ 20 मूव्स में इसे सॉल्व किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी तरह के कॉन्फ़िगरेशन में क्यों ना हो। कॉन्फ़िगरेशन से याद आया कि आप अपने रूबिक्स क्यूब को कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर सकते हैं, यानी कि आपके जो रूबिक्स क्यूब है वो कितने अलग 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 तरीके से रखा जा सकता है, सेट किया जा सकता है, क्या आपको पता है? तो वो है इतने टाइम्स। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि इतने टाइम्स आप अपने रूबिक्स क्यूब को डिफरेंट तो रूबिक्स क्यूब की इतने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस है। तो इसे फाइंड आउट किया था गूगल के साइंटिस्ट ने। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में है 7.8 बिलियन लोग और उनमें से 4 बिलियन लोग स्मार्टफोन्स यूज करते हैं और सिर्फ 3.5 बिलियन लोग टूथब्रश यूज करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, लोग ब्रश करने से ज्यादा फोन यूज करना प्रेफर करते हैं। क्या आपको पता है कि जो लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं वो लोग 66% कम ब्लिंक करते हैं। ब्लिंक करना यानी अपने आंख को खुल बंद करना, वो 66% कम ब्लिंक करते हैं अगर आप उन्हें कंपेयर करें नॉर्मल लोगों से जो कि कंप्यूटर को यूज नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि माइकल जैक्सन जिस दिन मरा था उस दिन 3:15 को ट्विटर और विकिपीडिया जैसे काफी सारे वेबसाइट्स क्रैश हो चुके थे। तो ये एक मिथ नहीं बल्कि एक फैक्ट है कि जिस दिन माइकल जैक्सन मरा था उस दिन ट्विटर और विकिपीडिया जैसे काफी सारे बड़े बड़े वेबसाइट्स क्रैश हो चुके थे। तो जो दुनिया का सबसे पहला अलार्म क्लॉक बनाया गया था वो सिर्फ सुबह के 4 बजे बजता था, वो इसीलिए क्योंकि उसे डिजाइन ही सिर्फ एक आदमी के लिए किया गया था जो कि सुबह 4 बजे उठता था। तो उस अलार्म क्लॉक के बनने के 60 साल बाद यानी कि 60 इयर्स के बाद ऐसे अलार्म क्लॉक बनना स्टार्ट हुए जिसमें आप अपने टाइम को सेट कर सकते थे अलार्म बजने के लिए। GPS तो हम सभी यूज करते हैं और इसे बिल्कुल ही फ्री में यूज करते हैं, पर आपको क्या पता है कि इसे ऑपरेट करने के लिए, इसको संभालने के लिए रोज के जो कॉस्ट आती है वो है
2 मिलियन, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसे पे कौन करता है। तो इसे पे करते हैं अमेरिका के टैक्स पेयर, यानी कि वहां के जो टैक्स पेयर जो कि टैक्स पे करते हैं वो लोग इसे भरते हैं। तो हम सभी काफी लगी है कि हम जीपीएस को बिना पैसे दिए यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको ये फैक्ट्स की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के आपको काफी सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड फैक्ट्स के वीडियोस, अनबॉक्सिंग रिव्यूज और कंपैरिजन वीडियोस लाता रहूंगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।